Count it 5, 10, yeah, 15, 20, 25, 30, yeah, get the money, throw it in the furnace, yeah, this shit be funny, earn it just to burn. So, welcome back to my video channel, guys. कैसे आप लोग? होगा सब बढ़िया होंगे, बढ़िया है ना? तो guys, आज का हम लोग थंबनेल टाइटल तो देख ही लिया होगा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीवर गार्ड के बारे में. तो गाइस, मैं आप लोगों को बहुत तरीके के लीवर गार्ड दिखा चुका हूँ, मतलब शुरू से आज तक मैं बहुत सारे तरीके के लीवर गार्ड, दो तीन तरीके के तो दिखा ही चुका हूँ. तो यही क्यों मैं सबसे ज़्यादा दिखाना चाह रहा था, मतलब इतने सारे दिखा चुका हूँ, उसके बाद भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ. तो ये गाइस मैं बहुत टाइम से चाह रहा था, ये वाले आप लोगों को दिखाना. ये बाहर चलते हैं, ये वाला जो शेप है ये बाहर चलता है, मतलब इसका जो यूज़ है वो तो चलो मैं आपको बाद में बताऊँगा. मेन जो यूज़ है, ये जो है गाइस BHGDP के हैं, आप लोग देख सकते हैं. ये आप लोगों को पता होगा गाइस, रेसिंग बॉय करके एक अच्छा खासा रिनोन ब्रांड है, तो उन्हीं के एक ऐसे तरीके के आते हैं, तो उन्हीं के मेरे ख्याल से कॉपी बनाई है BHGDP वालों ने. तो आप लोग देख सकते हैं, पहले इसको अनबॉक्स करके दिखा देते हैं गाइस. ये रहा गाइस, ऐसी है पैकेजिंग भी अच्छी है खासी है. ये देख सकते हैं गाइस, ये रहे आपके लीवर गार्ड. देख सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा प्यारी क्वालिटी और क्या फिनिश आई है. मतलब ये जो शेप है ना, मैं यही चाह रहा था. ये वाली शेप इतनी जल्दी मिलती नहीं है, और RCB के बाद मेरे ख्याल से इन्हीं ने निकाली है. देख सकते हैं गाइस, ये ऊपर से सिल्वर का कैप है इसको रोकने के लिए, बाकी ये रहा पूरा फिनिश. तो अनबॉक्सिंग में गाइस कुछ नहीं है, और पैकेट में आप लोग देख लो तो ये आपको लगाने का है, और दो लीवर गार्ड है और दो लगाने का है. तो सबसे पहले आप लोगों को चलते हैं और इसे इंस्टॉल करके दिखाते हैं, फिर आप लोगों से. तो गाइस इन्हें लगाना बहुत ही सिंपल है, मतलब 2 मिनट की था. ये आपको पूरा वो मिलेगा, इसके अंदर पूरा नटबोर्ड मिलेगा, तो नटबोर्ड के साथ ही लग जाएगा. अब इसमें तो मेरे को वॉशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मेरे को इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप है. तो इसमें वॉशर लगाते हैं, फिर लगाते हैं. बहुत ज़्यादा आसान है गाइस, देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेन लग रहा है. चलिए चलते हैं सामने, आप ही लगाते हैं. देख सकते हैं गाइस, मैंने इसमें 3 वॉशर लगा दिए, और अब इसे फिट करते हैं. तो देखो शायद से प्लेन आए, तो एक बार देख सकते हैं दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं बड़े प्यार से, और अच्छे खासे स्टडी वे से इंस्टॉल हो चुके हैं. तो सबसे पहले आप लोग इसके सिनेमेटिक एंजॉय करिए, फिर आप लोगों से मिलते हैं. तो गाइज आप लोगों ने सिनेमेटिक्स एंजॉय कर लिए होंगे, जरूर बताइए आप लोगों को कैसे लगी. तो गाइज देख सकते हैं कितने ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं. तो गाइज अब मैं बताऊं, इन वालों को ही मैं क्यों दिखा रहा हूं ज़्यादा, क्योंकि गाइज देखो सबसे पहले मैंने कार्बन वाले यूज़ करे हैं, मैं साइड में डाल दूंगा. वो भी ठीक थे, मतलब उनकी ज़्यादा उतनी बिल्ड क्वालिटी नहीं थी, वो यहाँ से टूट जा रहे थे, ठीक है. उसके बाद मैंने फिर प्लास्टिक वाले यूज़ करे, उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, MT में डाले थे, वो भी मैंने यूज़ करे, वो भी कोई खास नहीं लगे. उसके तीसरे थे जो इससे पहले मेरे पे लगे हुए थे गाइज, ये देख सकते हैं ये वाले, ठीक है, कोई बुरे नहीं है गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. बहुत कम लोगों ने ट्राई कर रखे हैं, और बरेली में मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने ट्राई कर रखे हैं, तो मेरे को उतना नहीं पता. बट हाँ ठीक है, देखो मेरे को फिर से कुछ नया लाना था, इस चक्कर में मैं गाइस ये वाले लेके आया हूँ. तो गाइस अगर आप लोगों को पता हो, मैंने पहले ही बताया RCB की कॉपी है ये, RCB सेम ऐसा डिज़ाइन बनाता है और यही क्वालिटी यूज़ करता है. तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये फ्लेक्सिबल क्वालिटी है, तो अगर एकदम से गिरता है ना तो टूटेगा नहीं, और कोई मार के भी आता है ना तो एकदम से टूटेगा नहीं, मेटल वाला पार्ट है जो आपको टूट जाएगा, बट इसमें आपको ऐसा नहीं है. देखिए फ्लेक्सिबल अच्छा खासा और टूटेगा नहीं. अब तो गाइस मैं ये बताऊं, जो लीवर गार्ड का जो असली यूज़ होता है वो रेसिंग यूज़ में होता है, कि जिससे आप लोग जब रेस कर रहे हो, बाइक जब टच हो रही हो तो ब्रेक ना लगे, तो ब्रेक से एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं. तो एक ही साइड लगता है अगर आप लोगों को पता हो, और मैंने भी पिछली बारी MT में एक ही साइड लगा रखा था, क्योंकि मेरे एक साइड का टूट गया था इसलिए मैंने एक लगा रखा था, रेसिंग में थोड़ी ना करता हूँ गाइस. तो मतलब ठीक है, बचाते भी हैं ये लीवर को अच्छा. जैसे मेरे एक्सीडेंट हुआ था MT में, आप लोगों को पता होगा, तब मेरा ये वाला टूटा था, तो मेरे लीवर को बचा लिया था, पर वो टूट गया था, तो ठीक था भाई, उन्होंने लीवर को बचा लिया, लीवर गार्ड टूट गया, बल्कि लीवर से महंगा, ज़्यादा महंगा लीवर गार्ड था, बट कोई बात नहीं, वो मैंने लगा लिया था, कोई दिक्कत नहीं. तभी मैं एक यूज़ कर रहा था, फिर मैंने ये लगाया. अब गाइस मैं यही बताऊँ, ये आपका उसमें अच्छा ही लगेगा, जितना मैंने अभी तक नोटिस किया है. ड्यूक वगैरह में अच्छा लग सकता है, बताऊँ क्यों. ड्यूक में ये आपके जो एडजस्टेबल हैं वो बाहर को आते हैं, और हमारी MT में यहाँ तक आ रहे हैं, और फिर ये अलग सा निकला हुआ ना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने फिर इस पर लगाने का सोचा. मैंने पहले MT पे ही ट्राई किया था, बट MT में मेरे को उतना खास नहीं लगा, उसके बाद मैंने इस पर लगाया. तो गाइस अगर आप लोगों को लेने हो तो आप लोग स्क्वायर शॉप पे बात कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. RCB का जो ओरिजिनल है इसी का सेम
वो आता है 3500 का, पहले 2500 का आता था, 3500 का हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइजी हो गया। तो उतना प्राइस ना खर्च करते हो, वही सेम डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग कर सकते हैं स्काई बाय शॉप पे कांटेक्ट। और बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया कॉकपिट व्यू कैसे ऐसा आ रहा है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं। और दूर से ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, अभी तक मैंने खाली आरसी में वीडियो में देखा था, बट इसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एमटी में किसी ने लगाया होगा, आरसी में लगा रखा तब भी, एमटी में बहुत कम लोगों ने लगाया होगा, मतलब मैंने तो नहीं देखा यूट्यूब में अगर किसी ने लगाया हो, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, देखो अच्छे ही लग रहे थे मेरे को उसमें, इसलिए मैंने नहीं लगाया, उसके यहीं तक आ रहे थे लीवर, ये अलग सा बाहर अच्छा नहीं लग रहा था, और अगर लग जाता तो आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। बाकी चलिए इस वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया इंस्टॉलेशन गाइस, बहुत ज़्यादा आसान है, इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं है। इंस्टॉलेशन में आपको 3-4 ये लगाने पड़ेंगे वॉशर, वो मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाई दिया, वॉशर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद लग जाएगा आराम से, उधर वाला तो डायरेक्ट उसमें लग जाएगा। और एमटी में ये है, एमटी में आपका बार एंड वेट्स नहीं आता, जैसे इसमें आपका अलग से आता है, मतलब आप उसमें आराम से लगा सकते हो, बट उसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको एक्सटेंडेड पड़ेगा अलग से, वो मैं फ़ोटो डाल दूंगा अगर आप लोग, मतलब मैंने पहले दिखाई रखा होगा बट कोई बात नहीं, मैं अलग से फ़ोटो डाल दूंगा। वो एक्सटेंडेड लगा के साइड से उसका ऊपर का स्क्रू आता है वो टाइट करके अंदर लगा के आप टाइट कर दो, कुछ भी लगा लो मतलब आराम से टाइट हो जाता है और स्टेडी रहता है। मेरा अभी तक मैं लगा रखे रखा था, आप लोगों को पता है एमटी मैंने शुरू से लगा रखा है, ना वो ढीला पड़ता है ना वो कुछ अलग मतलब टूटता वगैरह है, कुछ गिरता वगैरह है ना, लूज़ होता है जल्दी, तो बहुत बढ़िया तरीका है, अगर वो लगाते तो वो लगा लिए। बाकी चलिए आप लोगों ने देख ही लिया और आप लोग लुक भी इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी चलिए इस वीडियो में रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग में, देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।